Hello, what's up guys? I'm Mainak from Civil Center and I welcome all of you to our video tutorial series on MS Excel. So friends, pichle video mein hum log dekhe the how to use the if command, and in this video we'll show you how to use conditional formatting. So friends, pichle video mein hum log dekhe the kaise if command use karke agar ye tensile strength of the member ka jo value hai, ye value agar tensile load se zyada hua to safe display होता है, and अगर ये value tensile load से कम हुआ then unsafe display होता है। तो हम लोग यहाँ पे conditional formatting use करना चाहते हैं ताकि अगर section unsafe हो तो यहाँ पे जो color है color change हो जाए and ये red color हो जाए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग जानेंगे इस video में। तो इसको मैं फिर से 100 कर देता हूँ। उसके बाद इस cell को मैं click करूँगा क्योंकि इसमें मैं changes चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा होम में जाके मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा SAFE कैपिटल में एंड इसका मैं कलर दूंगा ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड ओके। तो मैं यहाँ पे दूसरा रूल अगर ऐड करना चाहता हूँ फिर से मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद हाईलाइट रूल्स एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा अनसेफ, उसके बाद इसे कलर रखूंगा लाइट रेड फिल विथ लाइट डार्क टेक्स्ट, एंटर ओके। तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन सेफ है तो ये ग्रीन हो गया। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मतलब अगर ये सेक्शन अनसेफ हुआ, मैं चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, एंटर। ये सेक्शन देखिए अनसेफ हो गया एंड इसका कलर भी उसके साथ चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जाने हाउ टू यूज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS Excel। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप रहें हमारे वीडियोज से अपडेटेड। बाय।